भाजपा नेता सौरभ वाजपेयी की अल्पसंख्यक बोर्ड को जिला अध्यक्ष जहां पर रुस्तामुद्दीन उर्फ पप्पू द्वारा किया गया पत्रकार का सम्मान। कोरोना जैसी आपदा को देखते हुए पत्रकार के लिए मुख्यमंत्री की राहत कोष को देने की मांग की है, जहां पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते ही यहां पर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते ही अपनी जान में जख्मी में डालकर जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम करने के लिए और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहुंचे होते हैं। जहां पर पत्रकार बंधुओं ने आज भाजपा नेता सौरभ वाजपेयी ने सामाजिक दूरी को यहां पर बखूबी पालन करते हुए मास्क, गमछा व पेन वितरण किया है। तहसील क्षेत्र के समस्त प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार वहां पर पहुंचे थे। प्राइमरी के न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। आज जो है आपने ये कार्यक्रम जो रखा है पत्रकारों को सम्मान का, ये किस उद्देश्य से रखा है? पत्रकारों के सम्मान का जो हमने कार्यक्रम आज रखा, ये हमारे चौथा स्तंभ तो कहे जाते हैं पत्रकार बंधु हमारे, और इनके भी परिवार हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, और ये लोग भी इस कोरोना वैश्विक आपदा में अपनी जान जोखिम में डाल के हर वक्त मैं देखता हूँ कि ये लोग फील्ड पे धरातल पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। ना कोई इनके पास वो पोशाक है, ना वो व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद ये लोग पूरा टाइम दे के और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये हमारे मन में विचार आया कि इन लोगों का सम्मान जरूर होना चाहिए। अच्छा नेता जी, एक चीज और है, जैसे कि कल माननीय आपके जो है लखनऊ से जो आपके नेता जी हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने भी ये भी कहा है कि पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाए, और जैसे कि कोरोना जैसी घातक बीमारी चल रही है, इस उन्होंने एक मंत्री जी को पहले दिया, इस पर भी आप क्या कहेंगे? इस पर आप पार्टी के नेता हैं, अगर पत्रकार इस तरीके की आवाजें उठा रहा है तो आपका क्या पहल रहेगा? मैं पत्रकार बंधुओं के साथ में हूँ, क्योंकि ये लोग हमारे भाई बंधु हैं और हमारे ही लोग हैं। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम आदरणीय सुरेश चंद्र तिवारी जी, जो कैंट से विधायक भी हैं इस समय, मैं उनसे इस बात को फोन पे परसों कर चुका हूं कि आप इस बात को बंसल जी तक पहुंचाइए, संगठन के माध्यम से ये मुख्यमंत्री तक जी तक पहुंचे, और इस पे अगर तत्काल प्रभाव से काम होता है तो हम लोगों को तो और अच्छा लगेगा इसमें। अच्छा नेता जी, दूसरा मेरा एक सवाल एक ये भी है कि आज जैसे पत्रकार हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो कहा ही गया है, जब ये बेचारा अपनी जान को जोखिम में डालकर कहीं कवरेज करने जाता है तो कई जगह पर भारी कठिनाइयों के बीच गुजरना पड़ता है, जैसे कि चाहे वो ग्राम सभा प्रधानी को लेकर हो, या व्यक्तिगत किसी भूमाफिया से लेकर हो, या किसी पार्टी का नेता हो, अगर वो अपनी कवरेजिंग को सही तरीके से, जिसको बोलते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो वो अगर अपनी लेखनी को सही इस्तेमाल करता है तो उसको बता दिया जाता है कि ये रिश्वत मांग रहा है, हमको ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्या इस बीच पे क्यों आपका नेता या आप लोग हम लोगों के सहयोग में है या नहीं? हम लोग पूर्णतया सहयोग में है। आप देख रहे होंगे हमारी पार्टी की जब से सरकार आई है हम लोग निष्पक्ष ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं समाज में, और पत्रकार बंधुओं पे जो इस तरीके का आरोप लगाते हैं हमें लगता है वही